Hi everyone, my name is Rohit Garcha. This is Abhimanyu IAS, a platform which prepares you for UPSC and various PCS examination. It has given more than 2200 results since 1999 and has more than 23 years of experience. To the Point is a series जहाँ पे हम prelims के हिसाब से current affairs को उठाते हैं ताकि एक ऐसा question या ऐसा topic identify हो जाए कि उससे directly question आ जाए, उसको इसी सीरीज के अंदर हम तैयार करते हैं एंड उसके बाद में वंस इट इज कंप्लीटेड हेयर ऑन टू द पॉइंट यू कैन कंसीडर दैट टॉपिक एज डन कि ये यहां से पढ़ लिए तो हो गया है. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली जिसमें प्री और मेंस दोनों आपके कवर हो जाएं तो अ कोर्स इज रनिंग विच इज द क्लास इज टेकन बाय मी ओनली एंड इट इज इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म और प्री और मेंस इसमें दोनों कवर हो जाता है एंड इट इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन इन योर प्रेपरेशन एंड करंट अफेयर्स मोस्टली जो उसका पार्ट रहता है दैट इज डन वंस यू अटेंड द क्लासेस एंड सैटरडे एंड मंडे को ये क्लास रहती है. यू गेट अ 7 डे फ्री ट्रायल टू आप ट्रायल लेके देखिए एंड जज फॉर योर सेल्फ. आज का जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. एक किताब है मजमा उल बहरेन, ये दर शिखो ने लिखी है और रिसेंटली इसका एक अनुवाद है, एक ट्रांसलेशन है वो किया गया है और अरेबिक के अंदर और उसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने जो है लॉन्च किया है. तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है. ये किताब किसने लिखी है वो मैंने आपको बताया, दर्शिकों ने लिखी है. किताब में है क्या, इसका मटेरियल क्या है, इसका मुद्दा क्या है इसके अंदर, वो हम इस वीडियो में देखते हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि अरेबिक वर्जन रिलीज हुआ था इसका मजमा उल बहरेन किताब में, जिसका मतलब है कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस, जहां दो महासमुद्र आके मिलते हैं. कॉन्फ्लुएंस, वो दो महासमुद्र कौन से हैं, लेट्स सी. मजमा उल बहरेन विच मीन्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस थ्रो इन वैल्यूएबल लाइट ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलीजन्स. ये देखो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां पर यह क्या कर रहा है, अब इसके बेस के ऊपर प्री में कुछ भी कुछ पूछा जा सकता है कि इसका जो टॉपिक है इट इज कि ये सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलीजन्स निकालता है या फिर इसको सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्रेड या ऐसा कुछ करके वो चेंज कर सकते हैं. हमारे लिए हमारे को पता है कि इट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलीजन एंड हेल्प ब्रिंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. कौन सी लैंग्वेज में लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज क्लासिकल पर्शियन. ये जो किताब लिखी गई है वो क्लासिकल पर्शियन में, अगेन यूपीएससी का फेवरेट सा पॉइंट रहता है कि अगर ऑप्शंस में दे दिया कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर किताब इट इज रिटन इन, उसमें वो कुछ और कर देंगे, अरेबिक लिख देंगे या फिर संस्कृत लिख देंगे, है ना, कुछ इस टाइप की लैंग्वेज को चेंज करेंगे जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस. हमने ध्यान रखना है कि इट इज रिटन क्लासिकल पर्शियन. दर्शिको लिस्टेड वन बाय वन ऑल द कॉमनैलिटीज बिटवीन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का कौन सा वाला वेदांत, एंड इस्लाम, इस्लाम का कौन से वाला इसने पार्ट उठाया, कौन से वाला फॉर्म उठाया, सूफिज्म. लिस्टेड वन बाय वन ऑल द कॉमनैलिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म इज ओनली वर्बल. दीज आर द टू ओशंस जिसको एक किया गया है यहां पे. एंड व्हेन आई रेड अबाउट इट आई फाउंड इट रियली ब्यूटीफुल कि ये हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में कॉमनैलिटीज के बारे में बोला कि यार बात तो वही है. एंड मुझे ना एक पढ़ते पढ़ते कबीर दास साहब ने एक चीज लिखी है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक. तो वो वाला जो उनका दोहा है वो यहां पे जिया गया है इस जगह पे. नेक्स्ट चलते हैं. इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स टू एक्सप्लोर बोथ द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड यूनिटी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म. सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू राइट अबाउट, क्या बढ़िया चीज है ना. इट्स हिंदी वर्जन इज कॉल्ड, अब देखो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समुद्र संगम ग्रंथ. ये इसका हिंदी वर्जन है. अब यहां पे भी सवाल बन सकते हैं, जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं आप फोर्सी कर पाओगे कि यहां पे कौन कौन से सवाल बने जा सकते, बनाए जा सकते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारे जो है वो सवाल बना के दे दूं, बट कंटेंट अपने आप में आपके लिए पूरा है. एंड एन उर्दू ट्रांसलेशन टाइटल्ड नूरे आईन, ये उसके उर्दू वर्जन है. कौन सी किताब की बात करें, मजमा उल बहरेन की, जिसको दर्शिकों ने लिखा है, वॉज लिथोग्राफ्ड इन 1872. नेक्स्ट,
दर्शकों के बारे में देख लेते हैं अब, क्योंकि ये एक्टिव हो गया तो ये वाला पार्ट भी साथ में उसके एक्टिव हो जाएगा। द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, ही इज डिस्क्राइब्ड एज लिबरल मुस्लिम हु ट्राइड टू फाइंड कॉमनैलिटीज बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, और उसका जो जीता जाता एग्जाम्पल है वो किताब है। नोन एज पाइनियर ऑफ एकेडमिक मूवमेंट फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। जब भी हम किसी रियलिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत से टूल होते हैं कि आप उसको हिंदुइज्म से देखना चाह रहे हो, ये कुछ हो रहा है, एक ऑब्जर्वेशन हमने ले ली है कि इसको हिंदुइज्म से पकड़ें, इस्लाम से पकड़ें, साइंस से पकड़ें, सोशियोलॉजी से पकड़ें, या क्या करें। इसने क्या किया है, वेन डायग्राम बनाया है हिंदुइज्म और इस्लाम, और यहां कहीं पर वो जो है उसकी जो फॉर्म ऑफ इंक्वायरी है वो यहां कहीं लाई करती है अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो। In 1655, his father declared him as crown prince, but was defeated by Aurangzeb. छोटा भाई, younger brother. और इसके कौन कौन से जो हैं इन्होंने लिखे हैं और क्या क्या है लिटरेचर में हमारे पास, अदर देन मजमा उल बहरेन, दूसरा है सरे अकबर, ग्रेट मिस्ट्री उसका नाम है, आर डिवोटेड टू द कॉज ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दोनों का जो मुद्दा है, दोनों का जो मटेरियल है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सेम है। प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत एंड पर्शियन एनेबल्ड हिम टू प्ले अ की रोल इन पॉपुलराइजिंग इंडियन कल्चर। अगेन लैंग्वेज इज द फॉर्म जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सो अगर ये दो लैंग्वेजेस को जान रहे हैं तो ऑब्वियसली, और इंटरमिक्स करके कि इधर की किताब इधर की किताब इधर ट्रांसलेट हो रही है, तो ऑब्वियसली जो कल्चर है वो पॉपुलराइज एंड एनहेंस होगा। ही ट्रांसलेटेड उपनिषद्स and other important sources of Hindu religion and spirituality from Sanskrit to Persian. तो ये Persian आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और सवाल आया तो इसी के अराउंड कहीं घूमेंगे। बहुत एक easy सवाल, क्योंकि अभी आपने किया है, it falls under the category of easy. नहीं पता, नहीं देखी ये वीडियो या नहीं पढ़ा इसके बारे में कहीं और से, then this सवाल it is impossible. तो ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। So either it is plus two very easily और इट इज जीरो, और अगर आप थोड़े दिलेर लोगों में से हो तो यू नो इट इज माइनस 0.66 मार्क्स, है ना, 1/3 नेगेटिव। तो इसका आंसर हमें पता ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ मजमा उल बहरेन एंड सरे अकबर, दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच एंड वील मीट सून विद अ न्यू वीडियो। माय नेम इज रोहित गर्जा, दिस इज अभिमन्यु आईएएस।